के साथ आदर्श तिवारी, शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक शुरू हो गई है। चुनाव प्रभारी ओम माथुर यह बैठक ले रहे हैं। नितिन नवीन, अरुण साव, रमन सिंह मौजूद हैं। घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्य भी शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी, तो ये घोषणा पत्र समिति की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यह बैठक ले रहे हैं और इसमें नितिन नवीन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। बीजेपी का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ पर इस वक्त नजर आ रहा है। चुनाव प्रभारी ओम माथुर बैठक ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश ऑनलाइन पर है। अंकुश, बीजेपी घोषणा पत्र समिति की यह बैठक चल रही है, क्या खास? यह छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति की बैठक शुरू हो गई है और ये बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रखी गई थी। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित जो घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक हैं विजय बघेल, उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित, रामविचार नेता अमर अग्रवाल, शिवरतन शर्मा सहित जितने भी सदस्य हैं इस समिति के वो उस बैठक में मौजूद है। और कुल मिलाकर आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा अपने घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल कर सकती है, कौन कौन से वादों के माध्यम से प्रदेश की जनता को रिझाया जा सकता है, प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया जा सकता है कि वो अगर सरकार में आते हैं तो ये सारी चीजें जो है प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा, इन तमाम तैयारियों पर आज चर्चा चल रही है। और चर्चा के बाद एक बैठक और होनी है जो भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र समिति की बैठक होगी, जिसमें संयोजक अजय चंद्राकर इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। फिलहाल ये बैठक चल रही है और बैठक में काफी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा। शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।